हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना के आसपास के गांव में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। इंद्री के आसपास के कई गांव का संपर्क टूट गया है। घरों में पानी भर जाने से लोगों को छत पर बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। प्रशासन की तरफ से यमुना के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। लोगों को यमुना के आसपास ना जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और इसी के चलते बैराज से अभी तक 8,26,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा चुका है। इस समय हम इंद्री के नगड़े गांव की बात कर रहे हैं, जहां एक दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं पूरी तरह से संपर्क टूट गए हैं। और आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से 8,00,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर बाढ़ ने अपना कहर बरपा दिया है, जिसकी वजह से पूरा गांव, एक दर्जन से जो गांव है, पानी की चपेट में आ चुके हैं। उनकी जो आवाजाही है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं जिस रास्ते पर खड़ा, ये मेन रास्ता है, पूरी तरह से इस रास्ते पर 4,000 फुट से भी ज़्यादा जो पानी है वो चल रहा है, और ये जो खेत हैं उनमें भी 5 से ज़्यादा फुट पानी जमा खड़ा है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरह से खराब है, लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, और जो गांव के लोग हैं वे सड़कों पर खड़े हैं। ना ही इलेक्ट्रिक बोर्ड का इंतजाम किया गया और ना ही किस्ती का इंतजाम किया गया, जिस तरह से ग्रामीणों में पूरी तरह से रोष है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह की आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या सुविधा मिल रही है? ना सुविधा कुछ नहीं मिल रही, पानी का। अच्छा, प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर? कोई नहीं मौके पर, कोई नहीं। क्या मांग वोट पंगन तो आ जाए। अच्छा, पूछता नहीं कोई भी, तो कोई राजनेता अगर सत्ता सिंह नेता कुछ नहीं आज कोई नेता भी नहीं, विक्रम तो सारे लपेट में। अच्छा, हाँ जी, आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी, बताइए पानी से क्या रास्ते बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। रास्ते नकली कमालपुर कई गांव है जी, 10-12 गांव पड़ते हैं, बिल्कुल ही ब्लॉक कर चुके हैं, बिल्कुल भी आने जाने का रास्ता नहीं है। और ना तो यहाँ पर कोई प्रशासन आया है, सिर्फ एक पटवारी साहब बैठे हैं जो सुबह से, बाकी कोई नहीं आया यहाँ पर। और किस्ती भी यहाँ पे ले आके यहाँ से कैसे खड़ी कर दिया, ना कोई ड्राइवर आया ना कुछ आया जी इनका जी। और जो ग्रामीण है उधर का जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है जी। तो कितने फुट, कितने गांव? कम से कम 10-12 गांव में 4 फुट पानी आ जी, कमरों के ऊपर बैठे हुए हैं जी, रोटी भी ऊपर बना रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ग्रामीण इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। जो दर्जन से ज्यादा गाँव है वो पानी की चपेट में, गाँव के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी किस तरीके से मदद कर पाता है या नहीं। इंद्री से मैनपाल कश्यप, आर9 टीवी।